हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त भाई मोहित पारीक और आप देख रहे हैं बीकानेर बर्ड्स इंफॉर्मेशन चैनल। तो भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रेनी सीजन शुरू हो चुका है, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, तो इस दौरान अपने बर्ड्स का कैसे ख्याल रखें और उनके सीड मिक्स में और डाइट में क्या बदलाव करना है। और जो है वो आपको देखते हैं कि जब बारिश का मौसम शुरू होता है तो काफी तेज ठंडी हवाएं वगैरह चलती है, तो इससे अपने बजरी तोते जो है वो सुस्त बैठने लगते हैं, तो इस दौरान जो है वो उन्हें एक्टिव रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो काफी जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है और काफी हिस्सों में जो है वो काफी तेजी से बारिश भी हो रही है और कुछ जगह बारिश होने वाली है। कल जो है वो बीकानेर का मौसम भी जो है वो ठंडा था और थोड़ी बहुत बारिश भी हुई थी। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बजरी तोतों के सीड मिक्स में हमें क्या बदलाव करना है। अब तक हम समर सीजन यानी कि गर्मियों का सीड मिक्स उन्हें दे रहे थे, जिसमें जो सूरजमुखी होती है सनफ्लावर सीड, उसकी आप स्किन से फोटो देख सकते हैं, तो ये हम ना के बराबर दे रहे थे। अब थोड़ी सी इसकी मात्रा जो है वो बढ़ा देनी है। इससे हमें फायदा ये होगा कि अब जो है वो मादियां अंडे जब ले करेगी तो उन्हें ऑयली सीड की जरूरत होती है, तो इससे जो है वो एग बाइंडिंग वगैरह नहीं होती और एग ले आसानी से हो जाता है। और जो है वो सनफ्लावर सीड थोड़ा सा गर्म भी रहता है, तो बर्ड्स को जो है वो काफी फिट रखेगा और बर्ड्स काफी जो है वो हेल्थी रहेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे कि सॉफ्ट फूड में हमें जो है वो क्या बदलाव करना है। तो इस वक्त जो है वो मक्की, जिसे हम कच्चा भुट्टा भी कहते हैं, जिसके आप स्क्रीन पे फोटो देख सकते हैं, तो वो आप जो है वो अपने बर्ड्स को दें। बजरी तोतों को काफी अच्छी डाइट है। आप जब भी कॉर्न दें अपने बर्ड्स को यानी कि मक्की दें, तो पहले तो आप देखें कि जो है वो कच्ची मक्की होनी चाहिए, ज्यादा जो है वो पक्की जब मक्की होती है तो वो जो है वो बर्ड्स आसानी से खा नहीं पाता है। और उसे आप जो है वो 10 से 15 मिनट में रखें और जितना खा सके उतना खा लेंगे और बाकी का जो है वो आप निकाल लें। तो इस तरीके से आप जो है वो उन्हें सॉफ्ट फूड दें, ये सही तरीका होता है। और अब बात करते हैं कि रेनिंग सीजन में जब मौसम चेंज होता है अचानक से, गर्मी से जो है वो थोड़ी ठंड आती है, तो जो है वो अपने बजरी तोते सुस्त क्यों होते हैं। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं कि जो है वो चोंच पीछे गर्दन में डाल लेते हैं और इस तरीके से बैठ जाते हैं। तो इसका मेन कारण ये होता है कि जब बर्ड्स को डायरेक्ट ठंडी हवा लगती है तो इससे जो है वो बर्ड्स सुस्त बैठने लगता है। जब भी मौसम चेंज होता है यानी कि गर्मी से ठंड या ठंड से गर्मी, तो इस दौरान जो है वो बजरी तोते सुस्त होते हैं नॉर्मली। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए जो है वो अपने बर्ड्स को एंटीबायोटिक का कोर्स करवाए 3 दिन का, जिस तरीके से मैं करवाता हूँ। अब मैं किस तरीके से अपने बर्ड्स को एंटीबायोटिक का कोर्स करवाता हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। एंटीबायोटिक में आप एनरोफ्लोक्सेसिन, एनरोस्ट्रोंग, आप स्क्रीन पे फोटो देख सकते हैं, ये जो है वो आप दे। और देने का जो सही तरीका होता है वो ये होता है कि रात को जो है वो पानी और दाना निकाल लें और सुबह जो है वो जल्दी 7 बजे के करीब, अब जो है वो हमें ज्यादा लेट नहीं करनी है क्योंकि बर्ड्स काफी प्यासे होते हैं, तो उस समय जो है वो उन्हें पानी में एनरोफ्लोक्सेसिन डाल के दे। और 0.5 लीटर पानी के अंदर आप जो है वो 2 से 3 ml एनोफ्लोक्सिसिन डाल सकते हैं। और जब भी आप एंटीबायोटिक दे तो ऐसे नहीं है कि पहले दिन जो है वो ज्यादा एंटीबायोटिक दे दी, 3 ml के करीब दे दी, पहले दिन आप 2 ml दें और उसके बाद दूसरे दिन 3 ml, तीसरे दिन भी 3 ml, 3 दिन का आपको कोर्स करवाना है। तो अच्छी तरीके से एंटीबायोटिक को पानी में मिक्स कर लें और उसके बाद जो है वो अपने बजरी तोतों को दें। और एंटीबायोटिक देने के 1 घंटे के बाद आप उन्हें दाना दें और 3-4 घंटे के बाद एंटीबायोटिक निकाल के साफ पानी डाल दें। तो ये एक जो है वो सही तरीका होता है एंटीबायोटिक देने का, जिस तरीके से मैं अपने बर्ड्स को देता हूँ। और आप बर्ड्स भी देख सकते हैं, सारे बर्ड्स जो है वो काफी एक्टिव है। तो इस तरीके से जो है वो मैं करता हूँ, जब भी मुझे 1-2 बर्ड्स भी जो है वो सुस्त दिखाई देता है तो मैं एंटीबायोटिक का कोर्स सभी बर्ड्स को करवा देता हूँ। तो जो है वो अब कुछ भाइयों के दिमाग में रहेगा कि जो है वो बर्ड्स को अलग करके एंटीबायोटिक का कोर्स करवाएं क्या। जब मौसम चेंज होता है तो आप अपने सभी बर्ड्स को एंटीबायोटिक का कोर्स करवा दें, इससे सभी बर्ड्स जो है वो एक्टिव रहेंगे। और जब भी बारिश आए तो आप अपने पिंजरे को कवर करें, जो है वो थोड़ा सा खुला रखें ताकि वेंटिलेशन वगैरह होता रहे। ऐसा ना हो कि पिंजरे के अंदर जो है वो बारिश का पानी जा रहा है और सारे बर्ड्स भीग रहे हैं, इससे बर्ड्स जो है वो काफी ज्यादा बीमार हो सकते हैं और मर भी सकते हैं, क्योंकि बजरी तोते काफी कमजोर बर्ड्स होते हैं और इनका जो है वो काफी ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत होती है। जब बारिश खत्म हो तो आपको 1 लीटर पानी में 7 से 8 ड्रॉप डिटोल के डालने हैं और जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स करके और आपको कॉलोनी के बाहर और कॉलोनी के अंदर आपको शावर करना है। इससे ये होगा कि जो है वो बैक्टीरिया पैदा नहीं होता, जिससे अपने बर्ड्स जो है वो बीमार नहीं होंगे, बर्ड्स जो है वो एक्टिव बने रहेंगे। और जितनी हो सके आप कॉलोनी की केजेस पिंजरों की जो है वो सफाई रखें, उतने ही अपने बर्ड्स जो है वो एक्टिव रहे। अब जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है
कि हर हफ्ते में एक बार जो है वो अपने बर्ड्स को तुलसी के पत्ते और नीम के पत्ते भी देने चाहिए। इससे उनके पेट के जो वर्म होते हैं कीड़े वो भी मरते हैं और जो है वो बर्ड्स काफी एक्टिव रहेंगे। और जो तुलसी के पत्ते होते हैं वो थोड़े गर्म भी होते हैं और एंटीबायोटिक भी होते हैं, इससे बर्ड्स एक्टिव बने रहेंगे, जो है वो बीमारी के चपेट में नहीं आएंगे। इस तरीके से आप अपने बर्ड्स का रेनिंग सीजन में ख्याल रख, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके बर्ड्स काफी एक्टिव रहेंगे और फिट बने रहेंगे। तो चलते हैं भाइयों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। और आप सबसे जो है वो एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन तक आ जाएगी। बाय बाय फ्रेंड्स।